संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और तब से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। शादी के 2 साल के अंदर अंदर दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। करिश्मा थोड़े ही टाइम में अपनी बेटी समायरा को लेकर मुंबई चली आई और हमें सुनने को मिला कि दोनों के बीच तलाक होने वाला है। अब नए खुलासे के मुताबिक संजय ने करिश्मा पर उनके पैसों के लिए शादी करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि करिश्मा ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। इतना ही नहीं, उस स्टेटमेंट में संजय ने यह भी लिखा है कि करिश्मा न सिर्फ एक अच्छी बीवी और बहू नहीं बन पाई बल्कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर करिश्मा के वकील ने कहा है कि वो इन सब बातों का जवाब अदालत में देंगे और वो मीडिया में इन बातों को नहीं उछालना चाहते। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इस कहानी में क्या मोड़ आता है। बॉलीवुड की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।